गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है ग्रेजुअल इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर। किसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है अर्थ का टेम्परेचर? ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, कास्ड बाय इंक्रीज लेवल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज हो जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, और दो दूसरे पोल्यूटेंट्स हैं जैसे मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जब ये बढ़ जाते हैं तो क्या हो जाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। और उसकी वजह से क्या हो जाता है? अर्थ का टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और इसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग को हम बोलेंगे इट्स इंक्रीज इन एवरी टेम्परेचर ऑफ द अर्थ नियर द सरफेस एयर एंड ओशंस, ठीक है ना। टेम्परेचर इंक्रीज जो है ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। मेजर गैसेस क्या क्या होते हैं? एक तो वाटर वेपर जो है उनकी परसेंटेज 36-70% होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो 9-26% होता है, मीथेन होता है 4-9%, और ओजोन होता है 3-7%, ठीक है ना। उसके बाद हम ये देखेंगे कि काजेज क्या हैं ग्लोबल वार्मिंग के। मेजर काजेज जो ग्लोबल वार्मिंग के हैं वो क्या हैं? एक तो डिफॉरेस्ट्रेशन है जो मैन मेड काज है। प्लांट्स जो हैं ये मेन सोर्स है ऑक्सीजन के, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। इसकी वजह से क्या रहती है? बैलेंस मेंटेन रहती है हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है। जैसे जैसे डिफॉरेस्ट्रेशन मतलब फॉरेस्ट जो हैं वो ख़त्म होते जाते हैं, किसके लिए? डोमेस्टिक और कमर्शियल पर्पजेज़ के लिए। इसकी वजह से एनवायरमेंटल इम्बैलेंस हो जाती है, इम्बैलेंस होगी तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरा काज है यूज़ ऑफ व्हीकल्स। जैसे जैसे हम व्हीकल्स का गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, इवन अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंसेस पे जाना होगा उसके लिए भी हम गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे, तो उससे क्या होता है? गैसेस इमिट होते हैं, ठीक है। व्हीकल्स जो है वो फॉसिल फ्यूल्स उसमें बर्न होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और टॉक्सिन्स जो हैं वो कहाँ पर लिबरेट करते हैं? हमारे एटमोसफेयर में, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, जैसे जैसे हम एसीज वगैरह या रेफ्रिजरेटर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ह्यूमंस क्या करते हैं? ये ऐड करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हमारे एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से ओजोन लेयर जो होती है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। ओजोन लेयर वो होती है जो हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है किन हार्मफुल यूवी रेडिएशन से, ठीक है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या करते हैं? ओजोन लेयर को ये डिप्लीट कर देते हैं, उसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हैं वो हमारे अर्थ पर आएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा? टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होता है? जो टेम्परेचर होता है वो रैपिडली बढ़ रहा है, क्योंकि एमिशंस जो हार्मफुल एमिशंस हैं, गैसेस हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, वो कहाँ से आते हैं? फैक्ट्री से आते हैं, और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ऐसे ही 2013 में एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेटिक चेंज ने रिपोर्ट किया था कि जो टेम्परेचर इंक्रीज होती है, ग्लोबल टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज हुआ था 1880 से लेकर 2012 तक, कितना? 0.9 डिग्री बढ़ गया था। ये इंक्रीज 1.1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गई, किसकी वजह से हो गई थी? इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है ना। टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो गया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एग्रीकल्चर जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो प्रोड्यूस करते हैं किसको? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस को। ये क्या करता है? दैट मींस ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाते हैं। जब ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाएंगे तो नेचुरली जो इंक्रीज हो जाएगा किसका? टेम्परेचर ऑफ अर्थ भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ऐसी ओवर पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? टेम्परेचर जो है इन लेवल जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वो बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्राइमरी गैस है, किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है ना। ऐसे नेचुरल काजेज कौन कौन सी हैं? वो तो
एक तो वॉल्केनोज हैं, वॉल्केनो की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होती है। जब भी वॉल्केनो इरप्शन होती है वहाँ से ऐश और स्मोक निकलता है, वो एटमॉस्फेयर में जाता है और वहाँ पे क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। ऐसे ही वाटर वेपर्स जो है ये भी ग्रीन हाउस गैसेस होता है, गैसेस में आता है। जैसे जैसे इंक्रीज हो जाता है अर्थ का टेम्परेचर, ज़्यादा से ज़्यादा एटमॉस्फेयर में वाटर चला जाता है। कहाँ से? वाटर बॉडीज से। और एटमॉस्फेयर में कहाँ रहता है? ये एटमॉस्फेयर में रहते हैं वाटर वेपर्स, और उसकी वजह से क्या हो जाती है? ग्लोबल वार्मिंग भी हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट होता है। परमाफ्रॉस्ट वो एरिया है जहाँ से ग्लेशियर्स निकलते हैं। ठीक है ना, ये वहाँ ग्लेशियर के बीच में जगह होती है जहाँ पे सॉयल जो होती है वो फ्रोज हो जाती है। जब पानी उस पर बार बार गिरता है तो वो सॉयल जो होती है वो फ्रोज हो जाती है, उसको हम परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। ठीक है ना, और यही परमाफ्रॉस्ट जो है ये इन्वायरमेंटल गैसेस को ट्रैप करके रखती है बहुत सालों तक। जैसे ही परमाफ्रॉस्ट जो है ये मेल्ट होता है, ये वो वाली सॉयल जिसमें ऊपर क्या हो जाता है, जो फ्रोजन हो जाती है, तो उसमें से बहुत सारे गैसेस जो हैं वो निकलते हैं और कहाँ जाते हैं? हमारे एटमॉस्फेयर में जाते हैं। एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है ना, ऐसे ही फॉरेस्ट ब्लेज आते हैं। फॉरेस्ट ब्लेज मीन्स फॉरेस्ट फायर। ये भी जब भी फॉरेस्ट जलते हैं तो इनमें से बहुत सारा कार्बन कंटेनिंग स्मोक निकलता है। ये गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में जाते हैं और वहाँ से ये टेम्परेचर जो है वो अर्थ का इंक्रीज कर देते हैं, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें इफ़ेक्ट्स क्या हैं ग्लोबल वार्मिंग के। एक तो राइज इन टेम्परेचर होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है, अर्थ 1880 में देखा गया था अर्थ टेम्परेचर 1.4 डिग्री से बढ़ गया था। इसकी वजह से क्या हुआ था? ग्लेशियर्स जो हैं उन वो मेल्ट हो गए, जिसकी वजह से सी लेवल इंक्रीज हो गई और कोस्टल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उन पर इनका इफ़ेक्ट हुआ था। ठीक है ना, ऐसे इको सिस्टम के लिए भी ये थ्रेट होती है। ग्लोबल वार्मिंग जो है हमारे कोरल रीप्स जो सी में होते हैं उनको इफेक्ट करता है, उसकी वजह से प्लांट और एनिमल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना, तो उसकी वजह से इकोसिस्टम मींस हमारे जो कोरल रीप्स हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते जाते हैं। ठीक है ना, क्लाइमेटिक चेंज। क्लाइमेटिक चेंज में ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेटिक चेंज आते हैं। कभी कभी ड्राफ्ट आता है, कुछ मतलब ड्राफ्ट में सूखा पड़ जाता है और कहीं जगहों पे फ्लड आता है। ठीक है ना, ये क्लाइमेटिक इम्बैलेंस हो जाती है। ठीक है, इसी इम्बैलेंस ये किसका रिजल्ट है? ग्लोबल वार्मिंग का। ऐसे ही स्प्रेड ऑफ डिजीज़, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम हीट के पैटर्न और ह्यूमिडिटी के बदल जाते हैं। इसकी वजह से जो मॉस्किटोज़ हैं और भी जो कैरियर्स हैं वो क्या करते हैं? वो बीमारियों को फैलाते हैं। ठीक है, डिक्रीज़ इन ह्यूमन पॉपुलेशन। जैसे जैसे फ्लड आएगा, सुनामीज आएंगे, दूसरी नेचुरल कैलामिटीज़ आएंगे, ह्यूमंस की जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, लोग मर जाएंगे। ठीक है, डिजीजेस फैल जाएंगी, उसकी वजह से भी ह्यूमन पॉपुलेशन कम हो जाएगी। ठीक है ना, और लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। जैसे जैसे क्लाइमेट में शिफ्ट चेंज आएगी तो हैबिटेट जो होती है कुछ प्लांट्स और एनिमल्स की वो भी ख़त्म हो जाएगी, और जो एनिमल्स हैं वो नई जगहों पे शिफ्ट हो जाएंगे, अपने नेचुरल हैबिटेट से चले जाएंगे और कहीं जाएंगे, कुछ लोग सर्वाइव करेंगे और कुछ एक्सटेंट ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है ना, उसका हम मतलब ये है, हम ये बता सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट किस पे है? हमारी बायोडायवर्सिटी पे। ठीक है ना, हम सिंपल स्टेप से रिड्यूस कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को। एक तो ये 3 R's का यूज़, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़, और लेस हम यूज़ करेंगे एयर कंडीशनिंग अप्लायंसेस जो होते हैं जैसे रेफ्रिजरेटर्स वगैरह, इनका कम इस्तेमाल करेंगे, ये एसीज़ वगैरह का। अगर हम घर पे लाइट लगाते हैं उसकी जगह हम CFL वो ट्यूब लगाएंगे। अच्छा, हम गाड़ियों का कम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए हम गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एनर्जी एफिशिएंट, जो एनर्जी सेव करते हैं वो प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। हॉट वाटर कम यूज़ करेंगे। ठीक है ना, स्विच ऑफ करेंगे लाइट्स की। ये ट्रीज़ को प्लांट करेंगे, दूसरों को भी हम एनकरेज करेंगे ताकि वो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें। ठीक है ना, और वो वाले मेजर्स यूज़ करेंगे जिससे ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। ठीक है ना, अगर हमें इफ़ वी वांट टू लिव लॉन्गर, टू बी सेफ और इन गुड का हेल्थ, वी मस्ट, हमें क्या करना है? हमें अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, ओके, दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू।